Hello everyone, this is me Vishal here and today we are going to learn enzyme immobilization or immobilization of enzyme. So enzyme is a very important protein or biological catalyst as we all know. So what is this? If this question comes in examination, यदि आपको question पूछा जाता है exam में, तो इसकी कई इसकी methods क्या है, enzyme immobilization क्या होता है, immobilized enzyme क्या होता है, इसके एडवांटेजेस क्या है, इसके एप्लीकेशंस क्या है, ये सारी चीजें आज हम एक इस जो टॉपिक आज का जो लेक्चर है उसमें कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इमोबिलाइजेशन ऑफ एंजाइम क्या है। तो इमोबिलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें एंजाइम को हम एंट्रैप कर देते हैं एक पॉलीमर सपोर्ट में, या तो उसमें हम उसको एड्सॉर्ब करा देते हैं या तो कोवेलेंट लिंकिंग के थ्रू अल्टीमेटली एंजाइम को जो है हम एक सपोर्ट प्रोवाइड कर देते हैं। अब वो एंजाइम कई सारी बायोकेमिकल प्रोसेस में जब हम यूज करते हैं तो वो एंजाइम एक सेफ पोर्शन या सेफ साइड में होता है जिससे उसको डायरेक्ट कोई डैमेज नहीं होता है और जैसे कि उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है और अल्टीमेटली हम उसको लास्ट में रिकवर भी कर सकते हैं। तो एक सिंपल प्रोसेस को हम जो है इमोबिलाइजेशन ऑफ एंजाइम बोलते हैं। तो हम इसको समझते हैं कि इमोबिलाइजेशन ऑफ एंजाइम क्या है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्फाइनिंग द एंजाइम मॉलिक्यूल, एंजाइम मॉलिक्यूल को कन्फाइन करना, मीन्स एनक्लोज करना, एनकैप्सुलेट करना, एंट्रैप करना किसी सॉलिड सपोर्ट में, टू अ सॉलिड सपोर्ट, एक सॉलिड सपोर्ट में एंजाइम को कन्फाइन कर लेना, ओवर विच द सबस्ट्रेट इज पास्ड एंड कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट, जिसके ऊपर से हम सबस्ट्रेट को पास कर सकते हैं और उसको सबस्ट्रेट को हम प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंजाइम जिस रिएक्टेंट से या मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है उसको हम सबस्ट्रेट बोलते हैं, और सबस्ट्रेट जो हमारा पर्पस होता है उससे प्रोडक्ट में उसको कन्वर्ट करना। यदि हमको इमोबिलाइज्ड एंजाइम को डिफाइन करना होगा तो हम क्या बोलेंगे कि इमोबिलाइज्ड एंजाइम वन हुज मूवमेंट इन स्पेस हैज बीन रिस्ट्रिक्टेड, मतलब ये आपका एक सॉलिड सपोर्ट है और इस पर्टिकुलर स्पेस में, एक सॉलिड सपोर्ट में इसकी मूवमेंट को हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया, रोक दिया है, या तो कंप्लीटली और लिमिटेड रीजन, मतलब उसका मूवमेंट कुछ लिमिटेड एरिया में ही रहेगा, मीन्स उसका मूवमेंट हमने एक पर्टिकुलर स्पेस में रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, तो इसको हम बोलते हैं इमोबिलाइज्ड एंजाइम। अब जो कैरियर हम इसमें यूज करते हैं और मैट्रिक्सेस वो प्रोवाइड करते हैं, इसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। साथ में इनकी यदि हम बात करें आइडियल प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए इन मैट्रिक्स की और कैरियर्स की, तो ये आपका जो है इनर्ट होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, रीजनरेशन इनका जो है इजी होना चाहिए, ये इनकम्पैटिबल नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ चीजें हम मैट्रिक्स के बारे में बता सकते हैं। नाउ विल टॉक अबाउट एंजाइम बिकॉज वी आर स्टडी अबाउट इमोबिलाइजेशन ऑफ एंजाइम, सो वी नीड टू गो थ्रू द स्टडी ऑफ एंजाइम। तो एंजाइम्स आर द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट्स। एंजाइम्स क्या होते हैं? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट्स होते हैं। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट का मतलब क्या है? क्योंकि हमारी जो बायोकेमिकल प्रोसेसेस होती हैं उसको कैटालाइज करते हैं, मींस उसके रेट, जो रिएक्शन का रेट होता है उसको एनहांस कर देते हैं या तो डिक्रीज भी कर सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वी विल से दे इंक्रीज और एनहांस द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। तो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट दे इंक्रीज द बायोकेमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं। मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स, आपके जो ऑल द एंजाइम्स आर प्रोटीन एंड दे हैव स्पेसिफिक साइट, इन एंजाइम्स में स्पेसिफिक साइट होती है जो कि आपके सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में, सबस्ट्रेट से पर्टिकुलर साइट में कंबाइन होकर उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। अब हम देखेंगे कि इन एंजाइम्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, किस तरीके से सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो कोई भी जो सबस्ट्रेट होता है उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए एक एनर्जी बैरियर को पार करना होता है जिसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। किसी भी एंजाइम को जो है आपका एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना पड़ता है। लेकिन यदि अनकैटलाइज्ड है या एंजाइम एब्सेंस है तो उस सबस्ट्रेट को उस प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए एक एनर्जी बैरियर को पार करना होता है, तब जाके वो आपके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। लेकिन एंजाइम के प्रेजेंस होने के कारण उनका जो एनर्जी बैरियर होता है या एक्टिवेशन एनर्जी है वो लोअर हो जाती है, रिड्यूस्ड हो जाती है। तो जो एंजाइम्स होते हैं दे लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी बाय विच द रिएक्शन रेट, और जो बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं वो फास्ट रेट से हो जाते हैं। अब यदि हम बात करें एंजाइम के सोर्सेस की, तो कहां कहां से हमको एंजाइम्स मिल सकते हैं? तो एंजाइम हमको प्लांट से, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिल सकते हैं, जिसमें कि सबसे जो आज की डेट में आफ्टर द फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होने के बाद में और एडवेंट ऑफ फर्मेंटेशन, सबसे ज्यादा हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से एंजाइम्स को प्रोड्यूस करते हैं। क्यों प्रोड्यूस करते हैं? माइक्रोबियल सोर्स से। ज्यादातर आपका ये शॉर्ट जनरेशन टाइम होता है इनका, मीन्स बहुत इजीली ये जनरेट हो जाते हैं और इनका जनरेशन टाइम भी शॉर्ट होता है। फिर हम बात करें स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ज्यादा स्टेबल होते हैं ये, वेराइटी ऑफ वेरिएशन कैन बी डन इन दिस, और हम बोलेंगे कि इजिली एक्सट्रैक्टेड, और उनको इजिली एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है एज कम्पेयर टू द प्लांट और एनिमल जो एंजाइम्स है उनकी तुलना में।
Now we'll talk about the immobilization of enzyme. Why we need to do immobilization of enzyme? Enzymes जो है biochemical या जो हम बोले biological product है, तो biological product होने के कारण ये biology यदि हम बात करें inside the cell तो इनकी life span ठीक है, एक limited time तक होती है, लेकिन outside जो यदि हम बात करें cell के बाहर की बात करें तो इनकी जो life span है और जिनको इनका एक duration है जिस duration में इनको काम करना चाहिए वो कम हो जाता है, मीन्स बहुत इजीली ये डीनेचर्ड हो जाते हैं और डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. प्रोटीन है तो बहुत इजीली ये रिएक्शन कर लेते हैं. तो इमोबिलाइज करने के बेनिफिट क्या है या एडवांटेज क्या है या नीड क्या है इसकी, इनको हम रीयूज कर सकते हैं. जो नॉर्मल एंजाइम है आप यदि उनको किसी केमिकल रिएक्शन में यूज करेंगे तो दोबारा जब आप उनको रीयूज करेंगे तो उनकी जो एक्टिविटी है कहीं ना कहीं वो डिग्रेड होती जाएगी और कम होती जाएगी और एंजाइम का जो रिकवरी है वो भी कम हो जाएगी. तो इमोबिलाइज एंजाइम को इजीली हम रीयूज कर सकते हैं एक कई जो प्रोसेसेस में हम उसको यूज कर सकते हैं. फिर दे इंक्रीज द स्टेबिलिटी, ये जो एंजाइम्स होते हैं स्टेबिलिटी को भी इंक्रीज करते हैं, जैसे कि थर्मल स्टेबिलिटी. हम नॉर्मल बात करें तो जो आपका 45 डिग्री सेल्सियस 40 डिग्री सेल्सियस पर डीनेचर्ड हो जाते हैं नॉर्मल इनका वर्किंग होता है, तो आफ्टर द इमोबिलाइजेशन ये जो है 65 डिग्री सेल्सियस तक भी इनसे हम वर्किंग करा सकते हैं. फिर हम बात करें दे आर मींस बाय दिस वी विल जस्ट मेक देम इकोनॉमिकल, इनका जो है यूज इकोनॉमिकल हो जाता है, फाइनेंशियली बजट जो है कम हो जाता है, इनको बार बार हमको परचेस नहीं करना पड़ता है. कंटिन्यूअस यूज, हम इनको कंटिन्यू यूज कर सकते हैं कंटिन्यूअस प्रोसेस में, प्रोसेस को बार बार रोकना नहीं पड़ेगा, हम जो है बार बार इनको कंटिन्यूअस यूज कर सकते हैं. प्रोसेस कंट्रोल, प्रोसेस कंट्रोल का मतलब क्या है कि एंजाइम्स को जो है हम इजिली इमोबिलाइज एंजाइम को रिएक्शन से सेपरेट आउट कर सकते हैं जिससे कि प्रोसेस को इजिली रोका जा सकता है और प्रोसेस को इजिली स्टार्ट भी किया जा सकता है. फिर हम बात करें इनकम्पेटेबिलिटी के चांसेस जो है कम हो जाते हैं. इनकम्पेटेबिलिटी का मतलब क्या होता है, ये प्रोडक्ट में जो है इनकम्पेटेबिलिटी या जो है मिक्सिंग रिलेटेड इनकम्पेटेबिलिटी या जिसको हम बोले एरर के चांसेस कम हो जाते हैं. फिर हम बात करें मेथड्स और टेक्निक्स क्या है, कौन कौन सी टेक्निक्स होती है एंजाइम इमोबिलाइजेशन की, तो देयर आर मेनी टेक्निक्स. फिजिकल और हम केमिकल टेक्निक्स में इनको डिवाइड कर सकते हैं. देन फिजिकल टेक्निक मींस दैट देयर इज सम फिजिकल बॉन्ड्स, केमिकल आयनिक बॉन्डिंग और वी कैन से वैन डर वाल्स फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्सेस के थ्रू ये अटैच हो जाते हैं सॉलिड सर्फेस. तो देयर इज अ थ्री प्रोसेस, एडजॉर्प्शन, एंट्रैपमेंट एंड एनकैप्सुलेशन. और केमिकल की हम बात करें तो कोवेलेंट बॉन्डिंग और क्रॉस लिंकिंग जो है एग्जाम्पल है केमिकल का. तो हम इनको समझते हैं सेपरेटली कि किस तरीके से ये आपके वर्किंग करते हैं. तो एडजॉर्प्शन की बात करें तो एडजॉर्प्शन यदि हम टेक्निक की बात करें तो एडजॉर्प्शन में क्या होता है, जो आपकी सॉलिड सरफेस होती है और आपका जो एंजाइम होता है, तो एंजाइम क्या करता है सॉलिड सरफेस में जो है सिंपल इसको हम अटैच कर सकते हैं. तो एडजॉर्प्शन की भी जो है कई डिफरेंट प्रोसेसेस होती हैं. एडजॉर्प्शन में आपके जो कैरियर होते हैं आपके इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, जैसे कि आपका एल्यूमिना ऑक्साइड, स्टार्च. तो इसमें जो है प्रोसेस को चार उसमें प्रोसेस में हम डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि स्टैटिक प्रोसेस. स्टैटिक प्रोसेस में क्या होता है, जो आपका एंजाइम का सॉल्यूशन हम ले लेते हैं एंजाइम का सॉल्यूशन और इसमें हम कैरियर को ऐड कर देते हैं और इसको रखे रहने देते हैं, स्टैटिक मतलब स्टेबल उसको रखे रहने देते हैं और धीरे धीरे क्या होता है एंजाइम और आपका जो पॉलीमर है कैरियर है उसके बीच में एक जो उसके सर्फेस में वो एड्जॉर्ब हो जाता है, अटैच हो जाता है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं स्टैटिक प्रोसेस. फिर उसके बाद हम बात करते हैं डायनेमिक प्रोसेस. डायनेमिक प्रोसेस में क्या होता है, प्रोसेस सिमिलर होती है लेकिन अब इसमें हम स्टिरिंग कर देते हैं, स्टिरिंग या तो इसको एजिटेशन हम इसमें प्रोवाइड कर देते हैं जिससे कि ये प्रोसेस फास्ट हो जाती है. स्टैटिक प्रोसेस क्या हो जाता है, स्लो है, टाइम कंज्यूमिंग है, टेक्स लॉन्ग टाइम. फिर हम उसके बाद में बात करते हैं इसमें आपका रिएक्टर लोडिंग प्रोसेस. रिएक्टर लोडिंग प्रोसेस में क्या होता है, इस प्रोसेस को जो हम कैरियर वाला जो पार्ट होता है ये एक रिएक्टर में होता है और ये जो है मशीनरी बेस्ड होता है, एक पर्टिकुलर एक काम बोलेंगे एक्सेल से या एक पर्टिकुलर इसको मशीन से हम इसको रन करते हैं और इसमें जो है एंजाइम्स को हम स्प्रे कर देते हैं, एंजाइम को ऐड कर देते हैं जिससे कि ये प्रोसेस लार्ज स्केल में हम यूटिलाइज करते हैं, रिएक्टर लोडिंग प्रोसेस. फिर इलेक्ट्रो डिपोजिशन प्रोसेस. इलेक्ट्रो डिपोजिशन प्रोसेस में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रो डिपोजिशन में हम इलेक्ट्रिक करेंट की हेल्प से और आपका जो सॉल्यूशन होता है उसमें हम आपका एंजाइम सॉल्यूशन है और इसमें जो है इलेक्ट्रोड हम यूज कर देते हैं और जो आपका इलेक्ट्रोड की विजिनिटी आपका जो कैरियर होता है वो एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड जो भी उसका आपका प्लस माइनस के बेसिस पे वो आपका कैरियर जो होता है एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड के साइड में होता है और एंजाइम का सॉल्यूशन इसमें जब हम इसमें करंट अप्लाई करते हैं तो आपके जो एंजाइम्स मॉलिक्यूल है दे मूव टूवर्ड्स द कैरियर
इलेक्ट्रोड, जो कैरियर इलेक्ट्रोड होता है उस तरफ मूव होते हैं और इस तरीके से उनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण बाइंडिंग हो जाती है। तो ये आपका हो गया एडजॉर्प्शन प्रोसेस। फिर हम बात करते हैं एंट्रैपमेंट। एंट्रैपमेंट क्या होता है? एंट्रैपमेंट मीन्स होता है आपका जो पॉलीमर्स होते हैं जेल और सम लाइक पॉली एक्राइलेमाइड और अगार एल्जिनेट, इनमें क्या होते हैं पोर्स होते हैं। ये पोर्स में क्या करते हैं आपके एंजाइम्स को एंट्रैप कर लेते हैं। जैसे हम बात करें एंट्रैपमेंट, दे हैव द सम पोर लाइक स्ट्रक्चर्स, तो एंजाइम गेट एंट्रैप्ड इन दीज पोर्स। इस तरीके से एंट्रैपमेंट भी एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप जो है एंजाइम को इमोबिलाइज कर सकते हैं। फिर हम बात करें एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन में क्या होता है कि इसमें आप एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में आपके जो एंजाइम्स हैं उनको एनकैप्सुलेट कर देते हो, मीन्स एक चारों ओर से उसके सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को आप क्रिएट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ सेलुलोज नाइट्रेट और नाइलॉन की, जिसके इनमें क्या होता है परमिएबिलिटी होती है, लेकिन देयर मे बी अ चांसेस ऑफ लीकेज। यदि हम बात करें अब केमिकल प्रोसेस की हम बात करें तो केमिकल में क्या होता है आपका कोवलेंट बॉन्डिंग होती है और क्रॉस लिंकिंग होती है। कोवलेंट बॉन्डिंग की बात करें तो कोवलेंट बॉन्डिंग में क्या होता है आपके जो एंजाइम्स होते हैं और आपके जो कैरियर होते हैं दे हैव सम फंक्शनल ग्रुप, तो दे हैव फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं दे गेट अटैच्ड विद द बॉन्डिंग, वो एक कोवलेंट बॉन्ड से अटैच हो जाते हैं। लाइक हम बात करें आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है आपके सेलुलोज जैसे पॉलीमर्स की हम बात करें, और फिर आपका जो एंजाइम्स उनमें एमाइन ग्रुप होते हैं बेसिकली बिकॉज दे आर प्रोटीन, दे बॉन्ड द कोवलेंट बॉन्डिंग। कोवलेंट बॉन्ड जो होते हैं बहुत ही स्ट्रिक्ट या हम बोले बहुत फोर्सफुली बाइंड हो जाते हैं। यदि हम एक कंपेरेटिव स्टडी करें फिजिकल और केमिकल, तो जो आपका फिजिकल बॉन्ड वाले हैं उनमें चांसेस ऑफ लीकेज हो सकता है एंजाइम का और आपका माइक्रोबियल अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन केमिकल बॉन्डिंग में ये हमको एडवांटेज मिल जाता है। बट एक डिसएडवांटेज ये है केमिकल आपका मेथड का या आपका कोवेलेंट बॉन्डिंग का कि जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसमें आपका कन्फर्मेशन चेंज होने के चांसेस होते हैं, मीन्स स्ट्रक्चरल चेंजेस हो सकते हैं एंजाइम में, जो कि उसका एक डिसएडवांटेज है। अब हम बात करें आपका इसमें एक और होता है आपका क्रॉस लिंकिंग या कोपॉलीमराइजेशन। आपका कुछ मल्टीवेलेंट कंपाउंड या मल्टीफंक्शनल ग्रुप होते हैं वो क्या करते हैं आपके एंजाइम के साथ में मल्टीवेलेंट फॉर्म कर लेते हैं, या आपका बोलेंगे कि हम वो एक क्रॉस लिंकिंग पॉलीमराइजेशन कर लेते हैं जिसके कारण भी एंजाइम को इमोबिलाइज किया जा सकता है। तो ये कुछ टेक्निक्स थी जो कि एंजाइम को इमोबिलाइजेशन के लिए हम यूज करते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ इमोबिलाइजेशन, इमोबिलाइज्ड एंजाइम। इमोबिलाइज्ड एंजाइम के क्या क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं? तो इसका हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक्स और कई सारे जो है मेडिसिन को प्रोड्यूस करने में हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, जैसे कि आपका पेनिसिलिनेज जो है सिंथेटिक पेनिसिलिन को प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जा सकता है। बायोमेडिकल एप्लीकेशन इनके यूज हम कर सकते हैं, बायोमेडिकल एप्लीकेशन जैसे कि पेनिसिलिनेज आपका जो है पेनिसिलिनेज आपका पेनिसिलिन का जो प्रॉब्लम होती है हाइपर सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम होती है उसमें दिया जा सकता है। एनालिटिकल एप्लीकेशन की बात करें तो एनालिटिकल टूल के तौर पर जैसे डी ग्लूकोज और अदर मॉलिक्यूल को डिटेक्ट करने के लिए भी हम इमोबिलाइज्ड एंजाइम का यूज कर सकते हैं। फूड इंडस्ट्री में भी इसका यूज किया जा सकता है, फूड इंडस्ट्री में जैम्स और आपका जो फ्रूट रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं उसको प्रोड्यूस करने में। डिटर्जेंट इंडस्ट्री में इसका यूज किया जा सकता है, लाइपेज इमोबिलाइज्ड लाइपेज का डर्ट पार्टिकल को क्लॉथ से अलग करने के लिए। फिर हम बात करें वेस्ट वाटर मैनेजमेंट में भी इसका यूज किया जा सकता है, बायोडीजल प्रोडक्शन में इसका यूज किया जा सकता है फ्रॉम द वेजिटेबल प्रोडक्ट। फिर हम बात करें रिसर्च में भी इसका, जैसे कई सारे प्रोटीएजेस एंजाइम्स की रिसर्च के थ्रू हम सेल लाइसिस की स्टडी कर सकते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में जो इसका यूज किया जाता है उस पर्टिकुलर आपके लेदर को क्लीनिंग पर्पस के लिए इमोबिलाइज्ड एंजाइम का। तो यदि हम ओवरऑल बात करें तो नॉर्मल यदि हम एंजाइम की बात करें तो ये 5 मिनट से लेके 1 आवर के अंदर जो है डिस्ट्रॉय हो जाते हैं सिंपल यदि एंजाइम इमोबिलाइज्ड नहीं है। लेकिन इमोबिलाइज्ड एंजाइम में हमको बेनिफिट क्या मिलता है कि हमको ये 1 ईयर तक के ड्यूरेशन में इसकी हमको स्टेबिलिटी मिल सकती है, तो ये प्लस पॉइंट होता है। हम इसको इजिली आफ्टर द जो रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद में उसकी रिकवरी इजी हो जाती है, तो अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं एंजाइम को एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। इसलिए इमोबिलाइजेशन एंजाइम की यदि हम बात करें तो इमोबिलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें एंजाइम को आप कन्फाइन कर लेते हैं, एंट्रैप कर देते हैं पर्टिकुलर सॉलिड में, जो कि मैट्रिक्स आपके कैरियर होते हैं। आपके कैरियर जो हैं इनऑर्गेनिक हो सकते हैं, ऑर्गेनिक हो सकते हैं और सिंथेटिक आपके कंपाउंड हो सकते हैं, सिंथेटिक ऑर्गेनिक हो सकते हैं। फिर हम कौन कौन सी मेथड इनमें यूज करते हैं, फिजिकल केमिकल मेथड। फिजिकल मेथड में एडजॉर्प्शन एंट्रैपमेंट एंड एनकैप्सुलेशन, और यदि हम केमिकल मेथड की बात करें तो कोवेलेंट और क्रॉस लिंकिंग। सो दिस वाज द सेशन अबाउट द इमोबिलाइजेशन ऑफ एंजाइम। तो इतनी चीजें भी यदि आप एग्जाम्स में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं तो यू वुड बी द गुड मींस
answer for that particular questions. Thank you and all the best.